नमस्कार दोस्तों, अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी और भयंकर खबर, जी हाँ दोस्तों, मात्र 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर मोबाइल ही विलेन बन गया है। फ़ोन पर बात करने से जैसे ही दोस्तों सास ने मना किया तो बहू ने दोस्तों सास को पीट पीट कर जान से मार डाला है। दोस्तों यह खबर है दमोह शहर की। शहर के हटा से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक बहू ने अपनी सास को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। इस हत्या की वजह मोबाइल फ़ोन पर बात करने से मना करना सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि एक बुजुर्ग महिला की ज़िंदगी ख़त्म करने की वजह मोबाइल फ़ोन बताई गई है। दरअसल मृतिका नन्नूबाई अपनी बहू चाइना बर्मन के द्वारा रात के वक्त मोबाइल पर बात करने से नाराज़ होती थी और बहू को मना भी करती थी, जिसे लेकर कुछ दिनों से विवाद भी हो रहा था। सास की टोका टोकी बहू को बिल्कुल भी रास नहीं आई और उसने लाठी से पीट पीट कर सास को मौत के घाट उतार दिया। मामला सामने आने पर इलाके में सनसनीखेज फैल गई। मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाई तो आरोपी बहू चाइना को गिरफ्तार में लिया गया और आगे की पड़ताल शुरू कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि बहू ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है, लेकिन दोस्तों जो बात थी वो मात्र कितनी सी थी, बस फोन चलाने की मना ही तो कर रही थी, क्योंकि दोस्तों बुजुर्ग होते हैं, उनको रात में दोस्तों दिक्कत आ रही होगी। जब बहू जो अब फोन चला रही थी तो दोस्तों उन्होंने मना कर दिया सास ने कि अभी फोन मत चलाओ, तो यही बात थी। इस पर पहले तो विवाद हुआ, उसके बाद में दोस्तों जो बहू है उसने अपनी जो प्लानिंग बनाई, उसके बाद में पीट पीट कर जो सास थी उसको बहू ने मार डाला है। दोस्तों इस प्रकार के जो अपराध करते हैं उनको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। तथा पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद दोस्तों, जय।